वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 के बहरान के दौरान लोगों को बराह रास्त अपने बैंक खातों में माली मदद पहुंचाने और इन्फेक्शन की रोकथाम और टीकाकारी के मिशन की तारीफ करते हुए कहा कि आज डिजिटल इंडिया से वक्त, मेहनत और पैसे की बचत हो रही है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 6 साल मुकम्मल होने के मौके पर इस प्रोग्राम से फायदा उठाने वालों से बातचीत के दौरान मोदी ने कहा कि हम सब ने देखा है कि डिजिटल इंडिया मिशन ने कोरोना बहरान के दौरान मुल्क के लिए कितना काम किया है। ऐसे वक्त में जब बड़े मालदार ममालिक लॉकडाउन की वजह से अपने शहरियों को इमदादी रकम भेजने में नाकाम हो रहे थे, हिन्दुस्तान हजारों करोड़ रुपए बराह रास्त लोगों के बैंक खातों में भेज रहा था। हिन्दुस्तान ने कोरोना दौर में जो डिजिटल वसायल तैयार किए हैं उन पर पूरी दुनिया में बहस हो रही है। उन्होंने कहा कि राब्ते का सुराग लगाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े ऐप में शामिल आरोग्य सेतु ऐप ने इंफेक्शन की रोकथाम में बहुत मदद की है। बहुत से मुमालिक ने टीकाकारी के लिए हिंदुस्तान के इन ऐप में भी दिलचस्पी जाहिर की है। टीकाकारी के लिए इस तरह के मॉनिटरिंग मीडियम का होना हमारे तकनीकी काबिलियत का सबूत है। वजीर आजम ने कहा कि डिजिटल इंडिया का मतलब वक्त, मेहनत और पैसा बचाना है। डिजिटल इंडिया का मतलब कम से कम हुकूमत, ज्यादा से ज्यादा गवर्नेंस है। भारत को डिजिटल पथ पर तेज गति से आगे बढ़ाते हर देशवासी का जीवन आसान बनाने का सपना पूरे देश का है। इसको पूरा करने में हम सभी दिन रात लगे हुए हैं। देश में आज एक तरफ इनोवेशन का जुनून है तो दूसरी तरफ इनोवेशन को तेजी से एडॉप्ट करने का जज्बा भी है और इसलिए डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। साथियों, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच, समस्याओं और सर्विस के बीच गैप कम करना, इनके बीच की मुश्किलें खत्म करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना इस समय की मांग रहा है और इसलिए डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिक को सुविधा और उनके एम्पावरमेंट का एक बहुत सशक्त माध्यम है। साथियों, डिजिटल इंडिया ने कैसे संभव किया है इसका शानदार उदाहरण है डिजी लॉकर। स्कूल के सर्टिफिकेट, कॉलेज की डिग्री, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार या दूसरे दस्तावेजों को संभाल कर रखना